हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अबेटमेंट करेंगे अब। अबेटमेंट 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 का मतलब डिस्काउंट, छूट। हमें अबेटमेंट यानी कई सारे सर्विसेज हैं जिन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमें मटेरियल भी देना पड़ता है। यानी कई सारे सर्विस है, यहाँ पे लिस्ट हम लोग लिखेंगे। सर्विस के साथ साथ मटेरियल भी लगाना पड़ता है, तो हमें सर्विस टैक्स सर्विस पे देना है या मटेरियल पे भी देना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने में मटेरियल भी यूज करते हो तो मटेरियल का पोर्शन जितना होगा उसके लिए आपको अबेटमेंट दे देंगे। ठीक है, अबेटमेंट हमें मिलता है मटेरियल पोर्शन का। मटेरियल पोर्शन जितना है आपकी सर्विस में उसका अबेटमेंट मिल जाएगा। बैलेंस अमाउंट पे सर्विस टैक्स देना है। ठीक है, तो ये अबेटमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 26/2012, डेटेड 20 जून 2012, और इफेक्टिव कब से है? 1 जुलाई 2012। ठीक है, ये हमारा अबेटमेंट का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू करके और सर्विस का लिस्ट दे दिया है जिन सर्विस के ऊपर हमें अबेटमेंट मिलता है। तो सबसे पहले तीन चार कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम में सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन, सेकंड कॉलम में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ऑफ सर्विसेस। थर्ड कॉलम में अबेटमेंट, अबेटमेंट, और फोर्थ कॉलम में सैंडविट क्रेडिट, यानी हमें सैंडविट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चार कॉलम हम लोग बना लेते हैं। पहला कॉलम में हम लोग लिखते हैं फाइनेंसिंग सर्विस। पहला फाइनेंसिंग सर्विस यानी फाइनेंस लीज। ठीक है, फाइनेंस लीज और हायर परचेज। फाइनेंस लीज और हायर परचेज, ठीक है, यानी फाइनेंस लीज और हायर परचेज में जितना इंटरेस्ट का पोर्शन है, इंटरेस्ट पोर्शन पे हमें सर्विस टैक्स देना होता है। लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन पे आप देखोगे तो वैट भी देना पड़ता है कि हायर परचेज में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर वैट भी देना है। तो जब आपने वैट दे दिया तो सर्विस टैक्स नहीं देना चाहिए हमें, लेकिन सर्विस टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। वैट लग गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों के ऊपर वैट लग गया। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, हायर परचेज में दोनों जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके हमारा इंस्टॉलमेंट बनता है, और इंस्टॉलमेंट पे हम वैट पे करते हैं, वैट पेबल। जब आपने इंस्टॉलमेंट पे वैट दे दिया तो क्या हमें इंटरेस्ट पोर्शन पे सर्विस टैक्स देना चाहिए? बताओ, जब दोनों अमाउंट पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर जब आपने वैट पे कर दिया तो हमें इंटरेस्ट पे सर्विस टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, तो डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? एक बार आपने वैट ले लिया और फिर आप कहते हो सर्विस टैक्स हमें दो, तो डबल टैक्सेशन यहाँ पे लग गया, डबल टैक्सेशन। ये बात गवर्नमेंट को बताया, ये दो बार आप टैक्स कैसे ले रहे हो, तो ये उनको समझ में आ गया। और समझ में आते ही कहा ठीक है, एक काम करो, 90% का अबेटमेंट ले लो, सिर्फ 10% पे ही तो डबल लग रहा है, तो इतना तो दे सकते हो। यानी 90% का अबेटमेंट हमें दे दिया और 10% पे अभी भी डबल टैक्सेशन है, अभी भी 10% पे डबल टैक्सेशन है। 90% का अबेटमेंट हमें मिल गया।
और फाइनेंस लीज और हायर परचेज के केस में हमें सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलता, नो सैंडविच क्रेडिट। ये हमारी पहली सर्विस है। सेकंड सर्विस लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। सेकंड सर्विस हमारी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, ठीक है। अदर देन 2A यहां लिख लेते हैं, अदर देन 2A, 2A हम लोग यहां पे लिखेंगे, यहां पे 2A लिखेंगे। तो 2A को छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, अगर हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता है, ठीक है, तो रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमें अबेटमेंट मिलेगा, ये रेलवे को मिलता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, रेलवे आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो आपसे फ्रेट मांगेगा, किराया मांगेगा, तो फ्रेट के ऊपर रेलवे को कितना अबेटमेंट मिलेगा, 70% का। सिर्फ 30% फ्रेट पे ही सर्विस टैक्स देना है। रेलवे जितना भी फ्रेट आपसे चार्ज करता है उसमें से सिर्फ 30% फ्रेट पे ही सर्विस टैक्स देना है। 70% फ्रेट हमारा यहाँ अबेटमेंट मिल जाता है, 70% पे अबेटमेंट, 30% पे सर्विस टैक्स। और यहाँ भी हमें सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलता, रेलवे को भी हम सैंडविच क्रेडिट नहीं देते, ठीक है। थर्ड केस है 2A, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल अदर देन रेलवे। क्या मतलब है ये बताओ। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, यानी रेल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन रेलवे नहीं करता। यानी रेलवे का कंटेनर हमने हायर कर लिया और उस कंटेनर से हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। यानी रेलवे का कंटेनर कोई भी किराए पे ले सकता है, पूरी ट्रेन किराए पे ले सकते हो आप, पूरी ट्रेन के रेलवे के सारे कंटेनर किराए पे ले लिया और अब रेलवे कंटेनर में हम दूसरे का गुड्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब रेलवे ने दे दिया अपनी कंटेनर किसको, एक्स को, और एक्स ने कंटेनर किसको दे दिया, वाई को। यानी हमारा सामान रेलवे से ही जाएगा लेकिन रेलवे ने कोई थर्ड पर्सन लेके जाएगा, यानी जिसने पूरी ट्रेन को किराए पे ले रखा है। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल अदर देन रेलवे, रेलवे के अलावा कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन करता है तो फिर हम 60% का अबेटमेंट है, 60% का अबेटमेंट है, और सैंडविच क्रेडिट आपको दे देंगे। सैंडविच क्रेडिट अलॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस, ऑन इनपुट सर्विस सैंडविच क्रेडिट हमें मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, इनपुट सर्विस का क्रेडिट हमें मिल जाएगा। सैंडविच क्रेडिट अलॉट ऑन इनपुट सर्विस, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेल। यानी रेलवे से हम सफर करेंगे तो रेलवे को फ्रेट किराया मिलता है, फेयर मिलता है, तो फेयर में रेलवे को कितना अवेटमेंट मिल जाएगा, 70% का अवेटमेंट मिलता है।
और रेलवे को क्रेडिट मिलेगा किसका, डू लिख लेते हैं, रेलवे को भी इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, रेलवे को भी इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ सर्विस हम लोग लिखते हैं, फोर्थ सर्विस चार नंबर पे, बंडल्ड सर्विस, बंडल्ड सर्विस, बंडल्ड सर्विस किसको कहेंगे, कौन सी सर्विस को बंडल्ड सर्विस कहेंगे, बंडल्ड सर्विस यानी एक सर्विस को प्रोवाइड करते टाइम दूसरी सर्विस भी हमें देनी पड़ेगी, ये बंडल्ड सर्विस है। तो बंडल्ड सर्विस में जहां खाना सप्लाई होता है, वेयर सप्लाई ऑफ फूड, वेयर सप्लाई ऑफ फूड, बंडल्ड सर्विस वेयर सप्लाई ऑफ फूड और आर्टिकल्स फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन, और आर्टिकल फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा, इंक्लूडिंग होटल, होटल लाइक एग्जाम्पल में होटल, ठीक है, गेस्ट हाउस, क्लब, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर एसेट्रा। यानी अगर बंडल सर्विस में खाना भी आपको दिया जा रहा है तो आप समझ लो 30% वैल्यू खाने के लिए माइनस हो जाएगा, यानी अबेटमेंट कितना मिलेगा, 30%, और यहाँ पे हमें इनपुट और कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट मिलेगा, सैंडविच क्रेडिट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स, एंड कैपिटल गुड्स, इनपुट और कैपिटल गुड्स पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, यानी इनपुट और कैपिटल गुड्स पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, सैंडविच क्रेडिट हमें मिल जाएगा इनपुट के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर, इनपुट और कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट हमें मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं चार के बाद पांचवें नंबर पे, अब ऊपर से शुरू करते हैं फिर से, पांच नंबर पे, नंबर फाइव, ठीक है, पांच नंबर पे आते हैं, नंबर फाइव, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर, ठीक है। और बाय एयर दो टिकट होता है, इकोनॉमी क्लास और अदर देन इकोनॉमी क्लास, क्लास और अदर क्लास, यानी बिजनेस क्लास, ठीक है, एक इकोनॉमी क्लास है और एक अदर देन इकोनॉमी क्लास है, यानी बिजनेस क्लास है। तो एयरक्राफ्ट में दो क्लास है हमारा, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास के लिए अबेटमेंट, ठीक है, इकोनॉमी क्लास के लिए अबेटमेंट है 60%, बिजनेस क्लास के लिए अबेटमेंट है 40%। बिजनेस इकोनॉमी क्लास के लिए कितना अबेटमेंट है, 60%, ठीक है, इकोनॉमी क्लास के लिए 60%, अदर क्लास के लिए 40%, और सैंडविच क्रेडिट मिलता है ऑन इनपुट सर्विस, सैंडविच क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, और इनपुट सर्विस का क्रेडिट हमें मिल जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, नेक्स्ट, ठीक है,
नेक्स्ट सिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे फाइव ए में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर embarking to or from regional area connectivity. ठीक है, regional area connectivity. कनेक्टिविटी यानी गवर्नमेंट का ये मुहिम है कि रीजनल एरिया तक एयरक्राफ्ट पहुंचाए. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के लिए गवर्नमेंट ने रीजनल एरिया तक एयरक्राफ्ट पहुंचाने का मिशन शुरू किया है. यानी गवर्नमेंट का मिशन है कि रीजनल एरिया तक हमारा एयरक्राफ्ट पहुंचे. तो जो लोकल एरिया है जहां एयरक्राफ्ट नहीं जाती वहां तक एयरक्राफ्ट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को 90% का अवेटमेंट दे दिया कि अगर आप रीजनल एरिया कनेक्टिविटी से हवाई जहाज को कनेक्ट करते हो तो आपको कितना अवेटमेंट मिलेगा, 90% का अवेटमेंट दे देंगे और नो सेनिफिट क्रेडिट, यानी सेनिफिट क्रेडिट नहीं मिलेगा. और ये बेनिफिट सिर्फ एक साल के लिए है, फॉर वन ईयर. यानी हमें ये अबेटमेंट सिर्फ एक साल के लिए मिलता है. एक साल के बाद ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ये बेनिफिट है. नेक्स्ट सिक्स में आते हैं. सिक्स सिक्स में है सर्विस बाय होटल, गेस्ट हाउस इन क्लब, कैंपसाइट. सर्विस बाय होटल, गेस्ट हाउस इन क्लब, कैंपसाइट और अदर कमर्शियल प्लेस. ठीक है, होटल हम लोगों ने ऊपर भी लिखा, ठीक है, और यहां भी लिख रहे हैं. दोनों में फर्क क्या है, मिंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस. इससे पहले भी लिखा है होटल बंडल सर्विस में, दोनों देख करके बताओ क्या डिफरेंस है, दोनों में फर्क क्या है. इससे पहले भी होटल लिखा है बंडल सर्विस में, होटल तो आता है बंडल सर्विस में, तो बंडल सर्विस में जब ऑलरेडी लिख लिया तो यहां पे क्यों लिख रहे हैं. बंडल सर्विस में ऑलरेडी लिखा है तो फिर यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहां बंडल सर्विस में खाना भी साथ में दिया जा रहा है. यानी होटल में अगर आपको रहना और खाना दोनों मिले तो बंडल सर्विस में आ जाएगा. होटल में सिर्फ रहना मिले, खाना ना मिले, तो फिर यहां पे आ जाएगा. और यहां अबेटमेंट कितना है, 40% का अबेटमेंट है, 40% का. और सैंडविच क्रेडिट मिलेगा इनपुट सर्विस का, सैंडविच क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस. यानी इनपुट सर्विस का क्रेडिट आप ले सकते हो, सैंडविच क्रेडिट हमें मिलता है इनपुट सर्विस का. ठीक है, उसके बाद आते हैं सेवेंथ में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए. नेक्स्ट, इसके अलावा सेवेंथ में
सेवेंथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए, ठीक है। अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जीटीए करता है अदर देन 7A, और फिर 7A हम लोग लिख लेते हैं, 7A ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल बाय जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल बाय जीटीए, तो दोनों में क्या फर्क है। सेकंड कहता है कि यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स है, जैसे अगर आपको घर शिफ्ट करना हो दिल्ली से गुड़गांव तो कैसे ले जाओगे सामान, जीटीए के थ्रू। तो हाउसहोल्ड आर्टिकल यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स है, और एक ये हमारा अदर देन यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल, मतलब यहाँ पे न्यू आर्टिकल है और यहाँ यूज्ड आर्टिकल है। तो ज़्यादा केयर हमें किस में करना पड़ेगा, यूज वाले में या न्यू वाले में, ज़्यादा फ्रेट किस में चार्ज करेंगे, यूज वाले में या न्यू वाले में। न्यू वाले में ज़्यादा फेयर चार्ज करोगे, ठीक है, यहाँ ज़्यादा फेयर चार्ज करोगे तो अबेटमेंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ कम फेयर तो अबेटमेंट भी हमारा कम हो जाएगा। यानी दोनों केसेस में हाउसहोल्ड आर्टिकल्स है तो 60%, न्यू आर्टिकल है तो 70%, और दोनों ही केसेस में सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो सेनवेट क्रेडिट, 70% और 60%। और आठ में हम लोग लिखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए फॉरमैन ऑफ ए चिट फंड। यानी चिट फंड हम लोग बनाते हैं और चिट फंड रजिस्टर्ड करते हैं, और चिट फंड में मेंबर बनाते हैं कि आप पैसे हर एक महीने जमा करते जाओ, आपको रिटर्न मिलेगा उस पर। तो ये चिट फंड है, और चिट फंड के जो फॉरमैन है, ऑर्गेनाइजर है, उसको फॉरमैन कहा जाता है। चिट फंड के ऑर्गेनाइजर को फॉरमैन कहा जाता है, और चिट फंड के केस में हमें अबेटमेंट मिलता है 30% का, यानी 30% का अबेटमेंट मिलता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए फॉरमैन ऑफ ए चिट फंड के फॉरमैन के सर्विस, इनको कितना अबेटमेंट दिया जाता है, 30%, और यहाँ हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो सनवेट क्रेडिट, ठीक है। चिट फंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने लोकल एरिया में देखते हो कमिटी चलाता है, कमिटी वो भी एक चिट फंड का ही फॉर्म है। चिट फंड का फॉर्म है कि लोग जितने भी मेंबर्स है, हर एक मेंबर हर एक महीने कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद उस पैसे से एक सर्टेन अमाउंट उनको मिलता है, यानी एक्युमुलेट होता जाएगा, जो भी प्रॉफिट होता है सारे मेंबर्स में इक्वली बांट दिया जाता है। ये चिट फंड है। चिट फंड कि आप इस तरह का एक फंड क्रिएट करो और फंड को प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करके कुछ इनकम अर्न करो। जो हमारे जो मार्केट में चल रहा है कमिटी में क्या होता है कि सपोज 20 मेंबर मिल गए, 20 मेंबर हर एक मेंबर 20,000 रुपये जमा करता है, तो कितना हो गया, 20 मेंबर है और 20,000 एक मेंबर देता है, तो 4,00,000 रुपये हो गया, 4,00,000 रुपये जमा हो गया। अब 20 मेंबर में से किसी को पैसे की जरूरत है,
तो 4 लाख खरीद लेता है, 4 लाख कोई खरीदता है 3.5 लाख में या 3.80 में या जितने में बोली लगती है, बोली लगने के बाद खरीद लेते हो आप। सपोज 4 लाख आपने 3.5 लाख में खरीदा है, तो आपका पैसा गया कितना, पूरे आप देते जाओगे 20 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, यानी आपका जाएगा पूरे 4 लाख, मिला कितना 3.5 लाख, फायदा कितना हुआ 50,000। ये 50,000 इनकम होता है और ये इनकम फॉरमैन क्या करता है, सभी मेंबर्स में इक्वली बांटता है। तो फॉरमैन अपना चार्ज भी लेता है, अपना टाइम देता है, सब कुछ अपना लगाता है दौ पे, फॉरमैन रिस्क भी लेता है। तो इसीलिए फॉरमैन जो भी चार्ज लेता है सर्विस चार्ज, उसमें से 30% माइनस करके जो बैलेंस बचता है उस पे सर्विस टैक्स लग जाएगा। तो ये एक चिट फंड है, तो एक सैंपल कमिटी भी एक तरह का चिट फंड है। और जो लार्ज लेवल पे करता है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाता है चिट फंड, और चिट फंड रजिस्टर्ड करवाने के बाद प्रॉपर सर्विस दिया जाता है, ठीक है। तो फॉरमैन चिट फंड के फॉरमैन की सर्विस को 30% का अबेटमेंट दिया जाता है। और रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स 9 में लिखते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स यानी मोटर कैब्स आप किराए पे दोगे तो अबेटमेंट 60% का मिलेगा, और सनवेट क्रेडिट मिलेगा इनपुट सर्विस का, सनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, सनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस यानी सिर्फ इनपुट सर्विस पे ही सनवेट क्रेडिट आपको मिलेगा रेंटिंग ए मोटर कैब्स। उसके बाद 9A सेम है, मतलब सेम इसी से रिलेटेड है, रेंटिंग ए मोटर कैब्स। उसके बाद रेडियो टैक्सी, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, रेडियो टैक्सी, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, इन सब पे कितना है, इन दोनों पे 60%, और यहाँ भी इनपुट सर्विस का क्रेडिट हमें मिल जाता है। अच्छा, इसमें हटा दो, इसमें रेडियो टैक्सी और एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में सनवेट क्रेडिट नहीं दिया है, नो सनवेट क्रेडिट। रेंटिंग ए मोटर कैब्स में हमें इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन रेडियो टैक्सी और एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हमें सनवेट क्रेडिट नहीं मिलता। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 10 पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, ठीक है। यहां पे 70% का अबेटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय व्हीकल 70% का अबेटमेंट है, और सनवेट क्रेडिट हमें मिलता है इनपुट सर्विस का, सनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, सनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, ठीक है। और टूर ऑपरेटर पे आते हैं, टूर ऑपरेटर, ठीक है। टूर ऑपरेटर के केस में 2 कैटेगरी बनाया है टूर ऑपरेटर। पहला कैटेगरी है सॉली बुकिंग एकोमोडेशन, यानी टूर ऑपरेटर सिर्फ एकोमोडेशन बुकिंग करता है, यानी होटल के रूम बुक करता है। और सेकंड है एनी अदर सर्विस,
यानी एकोमोडेशन बुकिंग के अलावा जो भी काम है। तो सिर्फ एकोमोडेशन बुकिंग करता है तो 90% का अबेटमेंट और एनी अदर सर्विस में 70% का अबेटमेंट। टूर ऑपरेटर के लिए ये अबेटमेंट है और इनपुट सर्विस का सेनिफिट क्रेडिट मिलता है, दोनों केस में सेनिफिट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, सेनिफिट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस। ये टूर ऑपरेटर का है। और लास्ट सर्विस है हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विस। और लास्ट 12 में हम लोग लिखते हैं, 12 में कंस्ट्रक्शन सर्विस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए अबेटमेंट है 70% का, 70% का अबेटमेंट मिलता है और सेनिफिट क्रेडिट हमें मिलेगा इनपुट और कैपिटल गुड्स पे, सेनिफिट क्रेडिट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये टोटल हम लोगों ने 12 सर्विसेज लिखा है, इन्हीं 12 सर्विसेज पे अबेटमेंट दिया गया है, अबेटमेंट दिया गया है इन 12 सर्विसेज पे और इन सर्विसेज पे हमारा अबेटमेंट है, ठीक है। तो हमें ये 12 सर्विस याद रखना पड़ेगा अबेटमेंट के साथ, ठीक है, अबेटमेंट के साथ हमें याद रखना है। अब अबेटमेंट में आप में देखोगे तो सिर्फ 5 रेट है, 5 रेट है, 30%, 40%, 60, 70, 90, बस ये 5%, ठीक है। तो इसको आप बाइफरकेट करके याद करोगे जल्दी हो जाएगा। 90% में 2 सर्विस मिलेगा, 90% में 3 सर्विस आपको मिलेगा, इसका बाइफरकेशन आप करोगे तो 90% में 3 सर्विस है। आप देखो 90% में 3 सर्विस मिलेगा, फाइनेंस लीज और हायर परचेस और एक सॉली बुकिंग एकोमोडेशन और एक ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर लोकल एरिया कनेक्टिविटी, रीजनल एरिया कनेक्टिविटी, वहाँ 90% है, तो 3 90% में है। 30% वाली 2 सर्विस है, 30% वाली ढूंढो, 2 है, बंडल सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन, फॉरमैन, फॉरमैन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इन दोनों के केस में बंडल सर्विस, उसमें 30% में बी और सी याद रखोगे, बंडल सर्विस और चिट फंड सर्विस, ठीक है, ये 30% में है। 40% वाली सर्विस हमारी कितनी है, 40% वाली सर्विस भी हमारी 2 है, 2, ये भी 2 है, एक तो अदर देन इकोनॉमी क्लास इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में अदर देन इकोनॉमी क्लास है तो, और होटल सर्विस विदाउट फूडिंग, 2 सर्विस है, यानी होटल विदाउट फूडिंग और एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो 30-40 में 2-2 है, 90% में 3 है, तो 7 सर्विस तो निकली गया, बाकी बच्चा कितना, उसमें 60 और 70 में अलग कर लो। तो इस तरह से याद रखोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। तो ये हमारा अबेटमेंट है और अबेटमेंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पे सर्विस टैक्स देना है। जैसे बंडल सर्विस है, एक बंडल सर्विस है कि बंडल सर्विस में, बंडल सर्विस में आपने ग्रॉस अमाउंट चार्ज किया है, ग्रॉस अमाउंट चार्ज 50 लाख, 50 लाख चार्ज किया है और बंडल सर्विस सप्लाई ऑफ फूड भी है, इसमें खाना भी है, सप्लाई ऑफ फूड,
तो कितना कंप्यूट सर्विस टैक्स, कितना निकालेंगे सर्विस टैक्स, कंप्यूट सर्विस टैक्स। तो ये बंडल सर्विस है, बंडल सर्विस, बंडल सर्विस हमारा 50 लाख हो गया, लेस अबेटमेंट, अबेटमेंट 30% है, अबेटमेंट 30% कितना हो गया 15 लाख, यानी हमारा बच गया, ये हमारा एसेबल वैल्यू है, और सर्विस टैक्स हो जाएगा 35 लाख का, ठीक है। तो ये अबेटमेंट है, जितना अबेटमेंट है अबेटमेंट माइनस करोगे जो बच गया, ये हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा टोटल अबेटमेंट है, ठीक है। थैंक यू।